एक साल पहले या उससे भी पहले ये बताया गया था कि जैगवार लैंड रोवर कुछ इंटरनल कोडिंग के लिए रोड रोवर नाम का उपयोग कर रही थी, लेकिन अब इसने इस नाम पर ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया है। क्या ये एक JLR का नया ब्रांड है या सिर्फ अन्य कार निर्माताओं को समान नाम का उपयोग करने से रोकने के लिए है, हम अभी तक ये सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। JLR ने पहले इस नाम का अपने कई प्रोटोटाइप के लिए सुझाव दिया है, लेकिन वास्तव में इसका उपयोग कभी नहीं किया। कई प्रकाशन संकेत दे रहे हैं कि इस नाम का उपयोग JLR के पहले उत्पादन EV के लिए भी किया जा सकता है, जो मुख्य रूप से अमेरिका और चाइना के बाजारों के लिए लक्षित किया जाएगा। रोड रोवर नाम का इतिहास है। नाम को पहली बार रोवर कार और उसके बाद मूल लैंड रोवर के बीच के अंतर को कम करने के लिए एक कंसेप्ट के रूप में 1950 के दशक में सुझाया गया था। ये नाम फिर से 1960 में थ्री डोर स्टेट के लिए दोबारा प्रचलित किया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। ऑटो अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं।